बजट सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए फिर राहत लेकर आया है। सीएम गहलोत ने कोरोना काल में डेफर किया गया वेतन रिलीज करने का ऐलान किया है, तो वहीं सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस स्कीम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया। बजट में सरकारी मुलाजिमों में और क्या खास रहा, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रहा। वही कर्मचारी कल्याण कोष के गठन का भी ऐलान किया गया है। सीएम गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोरोना जैसे संकट की घड़ी में कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार का पूरा साथ दिया। उनके समर्पण और मेहनत का ही नतीजा है कि राजस्थान ने कोरोना महामारी के दौरान सबसे बेहतर मैनेजमेंट किया। कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने वेतन से कोरोना केयर फंड में अपना अहम योगदान दिया। अब सरकार उनके 15 दिन के वेतन को फिर से रिलीज करेगी। कोविड-19 से उपजी विषम आर्थिक परिस्थिति से निपटने में प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को पूरा सहयोग मिला। उन्होंने अपने वेतन के एक अंश का सहयोग राशि के रूप में योगदान दिया है। अब मैं सभी कार्मिकों का आभार व्यक्त करते हुए उनके कोरोना के कारण डेफर किए गए वेतन, जो 15 दिन का था, जो डेफर करते थे, हमने डेफर किए हुए वेतन लगभग 1,600 करोड़ रुपये को वापस रिलीज करने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के दौरान आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अपने वेतन का अंश सहयोग राशि के रूप में दिया। अब सरकार कोरोना के कारण डेफर किए गए वेतन वापस करेगी। इसके लिए 1,600 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे। अपने बजट भाषण में सीएम गहलोत ने 3,000 करोड़ के कार्मिक कल्याण कोष के गठन का ऐलान किया। इस राशि को राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय किया जाएगा। वही सीएम गहलोत ने सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएसएस स्कीम लागू करने की घोषणा की। योजना के तहत विधायकों, पूर्व विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वही कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में देय राशि 3 लाख रुपए के वर्तमान विकल्प के साथ साथ बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपए का विकल्प भी दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज सीजीएचएस, ये बहुत पॉपुलर है, के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगणों के लिए, पूर्व विधायकगणों के लिए, राज्य के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम आदि के कर्मचारी अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएसएस लागू करने की घोषणा करता हूं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बजट प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सौगात लेकर आया है। एक ओर जहां उन्हें कोरोना के दौरान डेफर किया गया वेतन हासिल होगा, साथ ही आरजीएचएस जैसी योजना लागू होने पर कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा और बेहतर होगी। वही कार्मिक कल्याण कोष से कर्मचारी कल्याण की योजनाएं और बेहतर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।